गाइस वेलकम टू टेक्नोगाइज एजुकेशन। सी लैंग्वेज के इंटरव्यू क्वेश्चन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में एक क्वेश्चन और लाया हूं मैं आपके सामने गाइस। आप देख सकते हैं गाइस, यहां पर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने 25 असाइन की है वैल्यू, यानी जो मेरा आई है उस आई की वैल्यू 25 है। यहाँ पर गाइज मैंने एक इफ स्टेटमेंट चलाया है, एक दूसरा इफ स्टेटमेंट चलाया है और एक मैंने एल्स को यहाँ पर चलाया है। ठीक है गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे गाइज कि ये वाला जो मेरा इफ स्टेटमेंट है, इस इफ स्टेटमेंट को मैंने लास्ट में सेमी कॉलन यूज लिया है, यानी टर्मिनेटर ऑपरेटर मैंने यहाँ पर काम में लिया है। ठीक है गाइज, तो हम देखेंगे कि जो टर्मिनेटर ऑपरेटर है अगर हम किसी इफ कंडीशन के पीछे लगा देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और हम हमारा आउटपुट भी निकाल के देखेंगे कि आई का आउटपुट हमारा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। यहां पर आई में 25 है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इस वाले कंडीशन की, तो इसको लिखना और नहीं लिखना दोनों ही हम मैं कह सकता हूं कि मतलब आप लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस इफ को इफ कंसिडर नहीं किया जाएगा, इस इफ को इफ कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसीलिए अगर मैं बात करता हूँ इस वाले स्टेटमेंट की, अगर मैं बात करता हूँ इस वाले स्टेटमेंट की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट है इसका एग्जीक्यूशन इस इफ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया है तो ये जो मेरा नीचे वाला आई इक्वल्स टू 50 जो वाला, ये वाले जो मेरे स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री स्टेटमेंट है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। अब इसका ऊपर वाले इफ से कहीं पर भी कोई भी रिलेशन नहीं बचा है, इसका ऊपर वाले से कहीं पर भी, ऊपर वाला जो इफ है इसका कहीं पर इससे कोई भी रिलेशन नहीं बचा हुआ है। ठीक है गाइज, तो यहां पर अगर मैं 20 की जगह कोई और वैल्यू भी लिख देता तो मेरा इफ ये कंडीशन ये फॉल्स हो जाती तो भी मेरा ये स्टेटमेंट चलता। और अभी फिलहाल आई इक्वल्स टू 50 लिखा हुआ है, आई में 25 लिखा हुआ है, आई में भी 25 हो तो कंडीशन ट्रू है ना, कंडीशन ट्रू है, लेकिन टर्मिनेटर स्टेटमेंट लगा हुआ है इसलिए कोई मतलब नहीं है इफ स्टेटमेंट का। ठीक है गाइज, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट जो चलेगा या मेरा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा गाइज, कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा कि आई के अंदर 25 यहां पर मैंने डलवाया है, जब हमारा स्टेट हमारा कंपाइलर यहाँ पर आएगा तो इस वाले जो इफ स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट तो करेगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं एग्जीक्यूट करने का क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सेमी कॉलन लगा दिया है। तो गाइज वो क्या करेगा कि इस वाले स्टेटमेंट के ऊपर आएगा, इस वाले स्टेटमेंट के ऊपर आएगा और आई की वैल्यू को कर देगा ये 50। आई की वैल्यू 50 होगी, 50 होने का गाइज यहाँ कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर गाइज मेरी आई की वैल्यू 50 है, यहां पर मेरी i की वैल्यू क्या है 50 है, तो यहां पर मेरा 50 इक्वल्स टू 25, कंडीशन मेरी फॉल्स है तो फॉल्स तो इसके अंदर नहीं आएगा, वो एल्स के अंदर जाएगा और एल्स में आने जाने के बाद गाइज वो 50+1 करेगा, 50+1 51 होता है। तो अब मेरे i की वैल्यू गाइज हो चुकी है 51, i की वैल्यू हो चुकी है 51, तो मेरा आउटपुट निकाल के देगा ये 51। ठीक है गाइज, तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं, कुछ छोटे छोटे चेंजेस भी हम इसके अंदर करके देखेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमारा आउटपुट कैसे क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है गाइस, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर गाइस 25 की जगह अगर मैं 50 कर देता हूँ, पहले तो गाइस मैं इसको वैसे ही रन कराता हूँ जैसा ये है, इसको मैंने रन करवाया तो आप नीचे देखिए मेरा जो आउटपुट है वो 51 आएगा। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर मेरा आउटपुट 51 आया हुआ है। ठीक है, यहां पर मेरा आउटपुट 51 आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे गाइज यहां पे कि यहां पर अगर आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत भी डाउट हो कि यहां पर कंडीशन ट्रू है इसीलिए आई के अंदर 50 गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर 25 की जगह गाइज अगर मैं 34 कर देता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि आई में मेरा 25 है, उसको मैं 34 से कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरा जो आउटपुट है वो जो ये जो कंडीशन है इफ कंडीशन ये फॉल्स होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में बिल्कुल भी डाउट है कि फॉल्स होनी चाहिए तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इक्वल्स टू 50 वाला, तो ये स्टिल अभी भी एग्जीक्यूट होगा गाइज और हमारा जो रिजल्ट है अभी भी 51 ही आएगा, अभी भी हमारा 51 ही आएगा, क्योंकि टर्मिनेटर ऑपरेटर का मतलब ये है कि अब इस आई इक्वल्स टू 50 का इस इफ से कोई भी
कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ पर, इसको ये जो लाइन लिखी गई है आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई है। यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर एक एक इसको टैप दे के आगे लिखा है ताकि आपको ये लगे कि इसका पार्ट होगा, इसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसका पार्ट ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है गाइस, तो अब मेरा स्टेटमेंट यहाँ से आई के अंदर 50 डलवाएगा, आई में 50 डलवाने का जब यहाँ पर चेक करेगा तो 50 इक्वल्स टू 25 कंडीशन फॉल्स होती है, एल्स में जाएगा और एल्स में 50 प्लस 1 करके आई की वैल्यू को 51 कर देगा। ठीक है गाइस, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से टर्मिनेटर ऑपरेटर हटाते हैं, और हटाने का अब यहाँ पर मैं गाइस 25 करता हूँ, यहाँ पर मैं 25 करता हूँ। तो अब जो मेरा आउटपुट है वो आउटपुट क्या आएगा गाइस कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मेरे आई में 25 है, ये भी 25 है, मेरी कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा आई के अंदर क्या ले लेगा गाइस, 50 ले लेगा। फिर स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, तो अभी भी स्टिल मेरा जो आउटपुट है वो आउटपुट आएगा मेरा आपका 51। ठीक है गाइस, अभी भी मेरा आउटपुट आएगा 51। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब 34 कर देता हूँ और अब इसको रन कराता हूँ तो अब मेरा आउटपुट आएगा गाइस 26। ठीक है गाइस, तो अब जो मेरा आउटपुट है वो आउटपुट आएगा 26 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इफ कंडीशन मेरी फॉल्स हो चुकी है तो आई में 50 नहीं डलवाएगा, आई में 50 नहीं डलवाएगा। तो गाइज अब वो क्या करेगा कि यहाँ पर चेक करेगा कि आई इज इक्वल्स टू 25, आई में मेरा 25 है, ये भी 25, कंडीशन मेरी ट्रू है, तो इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा और 25 प्लस 1 करके 26 आपको प्रिंट करवा देगा। ठीक है गाइज, तो हमेशा ध्यान रखेगा कि जब भी आप किसी भी इफ स्टेटमेंट के आगे अगर आप टर्मिनेटर ऑपरेटर लगा देते हो तो इसका मतलब ये है कि उसके नीचे वाली जो लाइन है वो उसका मेंबर नहीं है, उसका उससे कोई भी रिलेशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होगी, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कंपाइलर की कि इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, वो 100% एग्जीक्यूट होगी। ठीक है गाइज, तो आई होप इस टाइप के अगर क्वेश्चन अगर आगे आपको करने को मिलते हैं तो आप इजिली बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे ये वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज देख के, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे डाले हैं, आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं आगे कोई वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। और गाइज मेरे वीडियोज़ को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे उतना मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और आप कमेंट जरूर कीजिए गाइज, अगर आपको भी इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चंस है जिनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डालिए, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।